हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो पे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में रियलमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन को कैसे अनलॉक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में आपको मैं रियलमी का किसी भी मॉडल में अगर गलती से लॉक लग जाए या बाय चांस किसी ने लॉक लगा दिया है और अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, पासवर्ड भूल गए हो, पिन लॉक भूल गए हो या फिर पैटर्न लॉक, तो आज इस वीडियो में आप रियलमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना सीखना चाहती हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, तो घर बैठे ही आप रियलमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। आपको करना क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं YouTube पर अक्सर लाता रहूं। तो फ्रेंड, देख सकते हो हमारे फोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। यदि आपके फोन में पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो या कोई भी अनदर लॉक हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन का ऊपर से स्लाइड कीजिएगा ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस एयरप्लेन मोड का ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यदि एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लेना है। एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक हार्ड रीसेट ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन कीजिएगा, डायल पैड को ओपन कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे FRP अनलॉकिंग कोड यूज करना है जिससे पहला आपका FRP बाईपास होने वाला है, ठीक है। तो FRP बाईपास के लिए इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका FRP बाईपास हो जाएगा। करना क्या है, इस कोड को डायल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, ओके पे प्रेस कर देना है एंड देन इस कोड को इरेज कर लेना। जब ये कोड आपका एक्टिवेट हो जाए तब आपके फोन में डाटा रिकवर कोड यूज करना है जिससे आपका कोई भी डाटा हो, बचा हो, इमेज हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स या फाइल हो जिन्हें आपको डिलीट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाटा रिकवर हो जाने वाली है। आपको करना है फिर क्या है, कॉल करके यहाँ पे नोटिफिकेशन फिर से ट्राई आएगा, तो ट्राई अगेन फिर से हमें ओके पे प्रेस करना है एंड देन इस कोड को इरेज कर लेना है। इसके बाद होम पेज को ओपन करेंगे, डायल पैड को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करना है और डायल पैड को फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड यूज करना है, *#899#। हैज लगाते ही यहाँ पे एक आफ्टर सेल पेज का ऑप्शन आएगा या फिर इंजीनियर मोड का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन होगा, बट वही ऑप्शन यूज करना है जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक होने वाला है। तो मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन को ओपन कीजिएगा, सेकेंड नंबर डिवाइस पे आइएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पे जायरोस्कोप के ऑप्शन को ओपन कीजिएगा, जायरोस्कोप सेल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टार्ट करते ही यहाँ पे टेस्टिंग होने वाला है और टेस्टिंग में क्या होता है, पास या फेल यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो पास हो चुका है, इसे बैक कर लेना है, बैक करना, नीचे आना है, सबसे नीचे आ चुके हैं। एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। बैक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अदर्स पे। अदर्स पे आ जाने के बाद यहाँ पे रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड यूज करेंगे, *#899#। इस कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करते ही कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आने वाली है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपको होम वाले बटन को क्लिक कीजिएगा, आपका रियलमी का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।